हेलो गाइस, अनीता नाइक हियर। आप कंफ्यूज होंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। तो आपके पास लमसम अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, और छोटा छोटा अमाउंट है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। तो हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अभी दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए। अभी देखो, मेरी शादी 20 साल पहले 2002 में हुई थी, तो तभी गोल्ड का रेट था 4000, अभी गोल्ड का रेट अराउंड 50000 है, तो लगभग 12 टाइम्स गेटर हुआ है। अब प्रॉपर्टी का रेट देखो, प्रॉपर्टी उस टाइम 4 लाख में आपने बाय की, अभी उसका रेट अराउंड अराउंड 40,000 या 50,000 हो गया, 10 टाइम्स गेटर हो गया। तो दोनों का रेट बढ़ गया है। तो आप बोलेंगे ये तो 12 टाइम्स गेटर हुआ है, ये 10 टाइम्स गेटर हुआ है, तो दोनों अपने हिसाब से सही है। लेकिन आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो आपको मंथली इनकम नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो आपको मंथली इनकम मींस आपको क्या मिल सकता है, आपको विदाउट लोन लेके तभी इन्वेस्ट किया तो आपको रेंटल मिल सकती है, रेंटल मंथली रेंटल मिल सकता है। वो प्रॉपर्टी अच्छे लोकेशन पे है तो अच्छा रेंट मिल सकता है। ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में जरूर आपको गेन है, मींस एडवांटेज है वैसे। और अभी सेकंड में बोल रही हूँ, लिक्विडिटी मींस आपको फटाफट से पैसा चाहिए। अभी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, और 5 लाख वही टाइम पे, अभी प्रॉपर्टी 5 लाख में आती नहीं, अभी वही उसकी प्राइस 50 लाख हो गई है, तो वही टाइम आपने 5 लाख प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो आपको रेंटल तो मिलती है। लेकिन आप कोई भी इमरजेंसी आ गई, शादी है और कोई कुछ इलनेस है, इमरजेंसी आ गई, नहीं तो बच्चों की पढ़ाई है, तो आप गोल्ड फटक से बेच सकते हैं बाजार में। लेकिन प्रॉपर्टी बेचने के लिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग सकते हैं कि, तो आपको और लॉस भी हो सकता है थोड़ा बहुत। आपको जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी बेचनी है तो थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है, लेकिन गोल्ड में वैसा नहीं है। तो गोल्ड में ये एडवांटेज है, फटाक से आप बाय भी कर सकते हैं। अभी गोल्ड आप बाजार में खरीद फटाक से बाय भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आप बाजार में बाय करने जाएंगे मीन्स आप उधर लोकेशन देखेंगे, स्टैंड ड्यूटी रजिस्ट्रेशन देखेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वही देखेंगे, तो उसको टाइम लगता है, सब प्रोसेस में टाइम लगता है। गोल्ड के प्रोसेस में टाइम नहीं लगता है, एक एक एडवांटेज है गोल्ड का। और आपको लिक्विडिटी मीन्स पैसा बेचने पर फटाक से मिलता है, उसके प्रॉपर्टी में टाइम लगता है, ये है। और आप थोड़ा बहुत अभी 1 ग्राम का वैल्यू है। और एक बता रही हूँ, और गोल्ड में आप स्मॉल अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप गोल्ड ले सकते हैं, 2 तोला गोल्ड आप ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए लमसम बहुत 30-40 लाख 50 लाख तक चाहिए। और गोल्ड के लिए 2 लाख 1 लाख 5000 भी बस हुआ, आप 1 ग्राम का कॉइन खरीद सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कॉइन 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम के कॉइन जो मिलते हैं, जो बाजार में बिस्किट मिलते हैं, वो आप जरूर खरीद लिए, क्योंकि वो बेचने पे वही वैल्यू मिलती है, आप बेचने जाएंगे वही वैल्यू। आप ऑर्नामेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी, आप ऑर्नामेंट बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू तो आपको सेम नहीं मिलेगी, आपको उसमें घट होगी और आपको लॉस होगा, लेकिन आप कॉइन
या बिस्किट और या कुछ तो ऐसा रिंग जैसा मिलता है वो आप बेचने जाएंगे, उसमें मराठी में कुछ बोलना कुछ तो बोलते हैं, वो आप बेचने जाएंगे तो सेम प्राइस मिल सकती है। तो आप कॉइन में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। जब भी जो फेस्टिवल आता है हमारे यहाँ, फेस्टिवल आता है, दशहरा आता है, तो तब हम सोना बाय करते हैं। लक्ष्मी धनुत्रयोदशी आती है, लक्ष्मी पूजन आता है इस दिवाली में, तभी आप सोना बाय करते हैं। तभी आप धनुत्रयोदशी में या लक्ष्मी पूजन है और दशहरा में आप जरूर सोना बाय कीजिए। लेकिन ऑर्नामेंट के बजाय मैं सजेस्ट करूंगी, ऑर्नामेंट के बजाय आप कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको जरूर फायदेशीर होगा। आप कभी भी आपको बेचना चाहिए, कभी इमरजेंसी में इलने से, नहीं तो शादी है, नहीं तो बच्चे की शादी है, तो आपने जो ऑर्नामेंट्स किया, जो कॉइन जो आपने जो कॉइन में जो इन्वेस्ट किया था, आप बेच के उसका ऑर्नामेंट बना सकते हैं। और किसको गिफ्ट करने का है, आपके रिलेटिव में शादी है, नजदीक के रिलेटिव में शादी है, तो उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट भी गिफ्ट कर सकते हैं और कॉइन भी गिफ्ट कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट है उसमें, बाकी कुछ आप गिफ्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप सोना गिफ्ट करेंगे नजदीक के रिलेटिव को तो उसकी वैल्यू तो जरूर बढ़ेगी। तो ये आपको फायदा ही है। तो मैंने दोनों का कंपैरिजन आपको बताया। तो आपको आपको आपके रिक्वायरमेंट से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप इसमें जाइए, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो गोल्ड में जाइए, और ज्यादा लमसम पैसा है आपको प्रॉपर्टी खरीदने में आपको सजेस्ट करूंगी विदाउट लोन। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो विदाउट लोन कीजिए, विद लोन प्रॉपर्टी मत कीजिए। आपका खुद का घर आपको खरीदने का है तो विद लोन कीजिए, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, रेंटल देने की है, तो आप विदाउट लोन प्रिफर कीजिए। मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूंगी। आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब के गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही बताया, तो आप कौन सा भी प्रिफर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।